क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनवायरनमेंट्स, और उसमें हमने डिस्कस किया थ्री टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स का, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कॉम्पेटिटिव एनवायरनमेंट को भी डिस्कस नहीं किया, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। और आपको मैंने बताया कि जो एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू एनालाइज द एनवायरमेंट, वेदर दैट एनवायरमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी ओवर रूल्ड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू स्टडी दीज एनवायरमेंट्स। नाउ आफ्टर स्टडी एनालाइजिंग दीज एनवायरमेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट हम एनालिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, SWOT। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? एनी आइडिया अबाउट स्वॉट? नो सर, ओके, स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। किसी भी मैनेजमेंट की बुक में देख लें, आप ह्यूमन रिसोर्स की बुक में देख लें, और बाकी किसी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक में देखें, तो ये उसमें लाजमी डिस्कस हुआ होगा। उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट से क्या बनता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अगेन, स्वॉट इज स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसको लेट्स डिस्कस दी स्वॉट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो होती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर कंसर्न विद द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी। जो स्ट्रेंथ होती है और जो वीकनेस होती है, दीज आर कंसर्न विद द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर द डिफरेंट फोर्सेज विच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहेंगे दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होती हैं, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी इट इंक्लूड्स ऑल दोज फोर्सेज विच एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कि आपकी जो लेबर फोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज अनस्किल्ड, वो इतनी स्किल्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दियर कॉम्पेटिटर्स, तो वेदर इट विल बी द वीकनेस और इट विल बी अ थ्रेट। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, कि इफ योर ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर फोर्स है, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, दैट इज नॉट सो मच स्किल्ड, ये आपकी वीकनेस होगी या आपकी थ्रेट होगा? ये वीकनेस होगी सर। ये वीकनेस होगी। वीकनेस क्यों होगी? इस वजह से होगी कि ये दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट, ये आपकी कंट्रोल में ना, ह्यूमन रिसोर्स जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट, दैट्स वाई इट विल बी दी वीकनेस। अगर सपोज मैं ये कहता हूँ कि डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, ठीक है, ऑयल की प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, और दैट विल बी अ थ्रेट और दैट विल बी अ वीकनेस। बैक बटन सर सपोज के कोई रिपीट कर दें। सपोज के डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये थ्रेट होगा या ये वीकनेस होगी? थ्रेट होगा सर। ये थ्रेट होगा। इस वजह से थ्रेट होगा कि डॉलर की प्राइस को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यस इस वजह से यस दैट एग्जिस्ट आउटसाइड यू, दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई दैट विल बी द थ्रेट, ठीक है। तो ये आपने इसको इस इन पॉइंट देखा होगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है दैट आर कंसर्न विद द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, और जो अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स होते हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। आपकी लेबर फोर्स बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, आपका MIS डिपार्टमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा है, तो दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या ओवरऑल इंडस्ट्री में प्राइस कम हो रही है, तो दैट विल बी दी अपॉर्चुनिटी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। रॉ मटेरियल आपका कम मिल रहा है आपको, तो क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ, रॉ मटेरियल की प्राइस आपकी कंट्रोल में तो नहीं है ना, तो दैट इज एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम कहेंगे दैट विल बी दी अपॉर्चुनिटी। जी, इज इट क्लियर? अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, ये ये स्वॉट स्वॉट को दोबारा ब्रीफ कर दें। SW स्ट्रेंथ, एब्रिविएशन किस चीज के स्ट्रेंथ, लिए? S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ओके, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यूजली ये होता है कि हम जब स्वॉट को डिस्कस करते हैं, जब कि ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं, तो वी लिस्ट डाउन द डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट क्या है, उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं।
लेकिन ये जो होता है बड़ा क्वालिटेटिव सॉर्ट ऑफ एनालिसिस होता है, इसको थोड़ा बहुत इन ऑर्डर टू मेक इट मोर साइंटिफिक एंड मोर क्वांटिफाइबल, मैं एक दो चीजें लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा डिफरेंट ग्राफ कि हम किस तरीके से एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं एज फार एज दैट स्वॉट एनालिसिस इज कंसर्न्ड। तो ये एक या दो ग्राफ मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स, अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। इस ग्राफ अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स में जो है देयर आर द टू मेन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है कि अट्रैक्टिवनेस जो आप देख रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द अदर वेरिएबल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वन इज द अट्रैक्टिवनेस, द अदर वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब होता यह है हम क्या करते हैं कि देयर आर द मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट आप हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये होती है कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज करने के लिए हम एक ये थोड़ा सा प्रोसीजर यूज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने किन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना है और किन अपॉर्चुनिटीज को हमने इग्नोर करना है। उसमें हम क्या करते हैं, इनको विद रिस्पेक्ट टू इन सारी अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट डाउन कर लेते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है। अब ये किसी किसी हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा जब हम उसकी वो पढ़ें एनालिसिस करेंगे, जो हमने पूरा पढ़ा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, स्पेशली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद उन सपोज के यू हैव 9 to 10 अपॉर्चुनिटीज योर ऑर्गेनाइजेशन में हैव, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, वी विल प्लेस दोज अपॉर्चुनिटीज इन दिस ग्राफ, इन दिस क्वाड्रेंट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टू वेरिएबल्स, दैट इज अट्रैक्टिवनेस एंड द अदर वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कोई भी एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी अट्रैक्टिव नहीं होगी, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो कितनी उपर... लेकिन उसमें फिर हमें ये भी देखना पड़ता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि आप इफ यू वांट टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी तो उसके मार्केट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी सबकी एक जैसी नहीं होती। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू वेरिएबल्स वी विल प्लेस दीज अपॉर्चुनिटीज ऑन दिस मैट्रिक्स ऑन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इसमें देखें दो चार क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें हाई लो, हाई इसमें जो इसका जो लेवल है दैट इज हाई टू लो एंड लो टू हाई। अब इसमें देर आर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो विद रिस्पेक्ट टू दी अट्रैक्टिवनेस भी लो होती हैं और जो विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी लो होती हैं, तो उसको हम ही फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस कर देते हैं। यानी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द अपॉर्चुनिटी इज टू माइनर टू बी कंसिडर्ड, जिसमें लिखा हुआ ना, ठीक है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज इस क्वाड्रेंट में आ जाती हैं, यानी इस क्वाड्रेंट में वो ली अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी लो होती हैं और विद रिस्पेक्ट टू दी अट्रैक्टिवनेस भी वो लो होती हैं। अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो विद रिस्पेक्ट टू दी अट्रैक्टिवनेस तो हाई होती हैं लेकिन उनके चांसेस कम होते हैं सक्सेस के मार्केट में, ठीक है, वो आपके ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। इसके अलावा कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी जो आपकी जिसकी अट्रैक्टिवनेस लो होगी लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है डेट विल बी हाई, वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो विद रिस्पेक्ट टू दी अट्रैक्टिवनेस भी हाई होंगी और विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी हाई होंगी, वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगी, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो मैं बात आपको बताई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिपीट कर देंगे कभी? जी, इसमें अपॉर्चुनिटीज देखें, एक देर कैन बी दी मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सपोज आप एक आपने पूरा एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया और देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज लाइक 10 to 12 अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अवेल ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। उसकी रीजन ये होती है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं आते होते, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे कैन नॉट अवेल ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। वो कुछ अपॉर्चुनिटी, अब वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज होनी होती हैं जिनको अवेल करना चाहिए, तो उसके लिए हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हम अपॉर्चुनिटीज को डिवाइड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अट्रैक्टिवनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अट्रैक्टिव है, ठीक है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, ज्यादा है या कम है। अगर अब इसमें फोर क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं इस मैट्रिक्स में, ठीक है, 1, 2, 3, 4, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हम उन अपॉर्चुनिटीज को रख देते हैं जिनकी अट्रैक्टिवनेस भी लो होती है और जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी लो होती है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इनकी अपॉर्चुनिटीज भी कम है और अटेंटिवनेस भी कम है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कम है। ये येलो वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें आप देख रहे होंगे, इट इंक्लूड्स ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज जिनकी अटेंटिवनेस हाई है लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है दैट इज लो। सिमिलरली जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आपकी अट्रैक्टिवनेस लो है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें बोथ द अट्रैक्टिवनेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाई। ये जब प्लेस हो जाएगा इसके बाद जो इसमें जो फाइनल होता है कि हम डिसीजन मेकिंग किस तरह करेंगे, इसमें डिसीजन मेकिंग हम ऐसा करेंगे कि वी विल अवेल इमिडिएटली जो हमारा एक्शन होगा मैनेजर का, वी विल कंसिडर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज विच एग्जिस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो अट्रैक्टिवनेस के पॉइंट से भी हाई हैं और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पॉइंट से भी हाई हैं, वी विल इमीडिएटली मेक आवर स्ट्रेटेजी टू अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जितने हमारे पास फंड्स होंगे रिसोर्सेज होंगे वो हम उन फोर्स अपॉर्चुनिटीज पर लगाएंगे जो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट अपॉर्चुनिटीज जो वी विल, इसमें हम इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, इसमें हम क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं फॉर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज विच आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। क्लोज मॉनिटरिंग क्या होगी, देर मे बी द चांस इन द फ्यूचर दैट दीज आइदर ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज कैन आइदर बिकम हाई विद रिस्पेक्ट टू द अट्रैक्टिवनेस और विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो फौरन हम एक्शन लेंगे, लेकिन इमीडिएटली हम सिर्फ इसको मॉनिटर करेंगे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसको हम जो है बिल्कुल इग्नोर कर देंगे बिकॉज दीज आर लो विद रिस्पेक्ट टू द अट्रैक्टिवनेस एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इमीडिएट एक्शन हमारा क्या होगा कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आ रही है अपॉर्चुनिटीज उसको इग्नोर कर देंगे, सेकेंड और थर्ड वाली को हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। इमीडिएट एक्शन जो होगा विल बी ओनली फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज विच आर विद हाई विद रिस्पेक्ट टू द अट्रैक्टिवनेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और विच लाई विद इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके लिए हम कोई भी एक्शन बनाएंगे, उसके लिए हम अपने फंड्स यूज करेंगे इन ऑर्डर टू अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज। इसको हम कहते हैं दैट इज द अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसको हम कहते हैं थ्रेट मैट्रिक्स। थ्रेट मैट्रिक्स, अब थ्रेट मैट्रिक्स में भी अगेन दो, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया इसमें भी दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है सीरियसनेस, द अदर वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। सीरियसनेस, अब कोई भी थ्रेट है ठीक है तो वो जो थ्रेट होता है हर कोई थ्रेट एक जैसा सीरियस नहीं होता, ठीक है, इट विल बी असेस्ड विद रिस्पेक्ट टू के उस वो जो अगर थ्रेट अगर हो जाता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना डैमेज करता है वो, ठीक है, कितना डैमेज करता है। अगर अब अभी कोरोना का भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो कोरोना की अगर सेकेंड वेव आती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो कितना इफेक्ट करेगी, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है वो ज्यादा इफेक्ट करे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सीरियसनेस कम और कम इफेक्ट करे, तो दैट इज दिस सीरियसनेस। नाउ दूसरा जो वेरिएबल है दैट इज अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कि वो थ्रेट होने की अकरेंस के चांसेस कितने हैं। नोबडी नोज कि पाकिस्तान में कोरोना की जो वेव अगर आती है सेकेंड, ठीक है, खुदा ना खासा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा चांसेस आने के या कम नहीं? वो आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उनसे पता चलता है, जो डिफरेंट सर्वेज है उससे पता चलता है। तो इसमें दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, सीरियसनेस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना ज्यादा सीरियस है वो थ्रेट, और दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के उस थ्रेट के अकर होने के चांसेस कितने हैं। इन दो वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वी विल लिस्ट डाउन द डिफरेंट थ्रेट्स, और आपके जो वो वाले थ्रेट्स हैं जो सीरियसनेस भी जिसकी कम है और इसके अकर होने भी कम चांसेस कम हैं उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रख लेंगे। सिमिलरली दो थ्रेट्स विच आर हाई विद रिस्पेक्ट टू दी सीरियसनेस बट लो विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, या आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जो येलो में आपको दिखाया हुआ स्क्रीन पे। ऑल दो सेट्स विच आर लो विद रिस्पेक्ट टू द सीरियसनेस एंड हाई विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड्स ऑल दो सेट्स विच आर हाई विद रिस्पेक्ट टू द सीरियसनेस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अगेन जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो किसी कैसे करेंगे,
वी विल हैव टू, जो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थ्रेट्स आते हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है? बिकॉज क्यों इग्नोर करेंगे कि हमने अपने फंड्स इसमें जाया नहीं करेंगे, वी विल जस्ट इग्नोर इट बिकॉज दीज आर लो विद रिस्पेक्ट टू द सीरियसनेस एज वेल विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है इसके लिए भी हम कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ठीक है? डोंट रिक्वायर द कॉन्टीजेंसी प्लानिंग फॉर दैट। वी विल जस्ट क्लोज मॉनिटर दीज थ्रेट्स के खुद, अगर ये थ्रेट कोई इंक्रीज हो जाता है आइदर इन द रेट और इन द केस ऑफ सीरियसनेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, देन वी कैन टेक द एक्शन व्हेन इट विल शिफ्ट ओवर टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो इमीडिएट एक्शन है हमारा दैट विल बी फॉर ऑल दोज थ्रेट्स विच अकर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी वो आपका सीरियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा है, उनके लिए हम जो है एक इमीडिएट एक्शन लेंगे उन थ्रेट्स के लिए, ठीक है? और ताकि अपने रिसोर्सेज को इन थ्रेट्स को कॉम्बैट करने के लिए हम इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो ये दो थ्रेट्स, ये दो मैट्रिक्स से जो मैं डिस्कस करना था जा रहा था, डेट इज रिलेटेड टू द स्वॉट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स और थ्रेट मैट्रिक्स, अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स एंड थ्रेट मैट्रिक्स। जी, ये कुछ क्लियर हुआ आपको मैट्रिक्स या स्वॉट? जी अब बेहतर जी। ओके, ये मैं आपको स्लाइड्स मैं सेंड कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोगों ने इसको देखना है और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नोट डाउन कर रहे हैं। मैंने आपको आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि प्लीज नोट डाउन इफ यू आर नॉट बीइंग अंडरस्टैंडेबल समथिंग, बिकॉज बहुत से आपकी तो है क्लास में स्टूडेंट्स भी कम है, कुछ लोग जो MBA का बैकग्राउंड नहीं होता तो उनको प्रॉब्लम होती है इन कॉन्सेप्ट्स को। जो MBA के स्टूडेंट्स हैं हम लोगों ने तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं, इस वजह से आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज अंडरस्टैंडेबल ना हो तो आप लोगों ने उसको मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में, उसको मैं और डिटेल में आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ, जस्ट राइट और उसको नेक्स्ट क्लास में मुझे दोबारा आप पूछें, लेकिन कोई भी चीज अनक्लियर नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके। ओके, मेथड्स टू मेजर, एक छोटा सा टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद वी विल कम टू द ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट की तरफ आएंगे। एक पैटर्न होता है डिसीजन मेकिंग का, हमने कोई ये जो मैं भी आपको चार पांच स्टेप्स बताऊंगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, ठीक है? इसमें हम ओके, स्लाइड में जो इसका टाइटल आप देख रहे हैं, मेथड्स टू मेजर दी वेरिएबल, इट इज ऑल्सो बी रेफर्ड एज अ मेथड टू मेजर दी वेरिएबल, और वी कैन से दैट जब भी आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसका भी एक मेथड होता है कि किसी के से हम थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग क्वान्टिफाई उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें असेसमेंट ऑफ द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, या इसको अट्रैक्टिवनेस को अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसको हम किस तरीके से क्वान्टिफाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट द जनरल क्राइटेरिया टू रेट द इंडस्ट्री, इसमें सबसे पहला स्टेप ही होता है कि आप इसको, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से साथ साथ समझाता हूँ तो दैट विल बी मोर क्लियर। नाउ सपोज यू आर टेकिंग द एडमिशन फॉर PhD इन सम यूनिवर्सिटी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है? समवन सेज यू कि आप रिफा में ले लें, कोई कि आपको फाउंडेशन में ले लें, कोई काजर में ले लें, बट ये एक रेशनल डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। एक दूसरा डिसीजन मेकिंग का तरीका, आप इस मेथड को यूज करें, यू कैन ऑल्सो डिसाइड दैट रेशनल मेथड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें जो पहला जो स्टेप है, सिलेक्ट द जनरल क्राइटेरिया टू रेट द इंडस्ट्री। अब अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि आप ये देखेंगे उसकी फैकल्टी कितनी अच्छी है, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जब आपने सपोज के PhD में एडमिशन लेना है, एक तो आपकी फैकल्टी कितनी अच्छी है, यू कैन बी यू हैव कंसर्न अबाउट द फैकल्टी, दूसरी चीज क्या हो सकती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको कन्वीनियंट है कि नहीं, आप उधर क्लासेज अटेंड करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड आपका जो इसमें ये भी डायमेंशन हो सकती है, और क्या होती है थर्ड, टाइमिंग, टाइमिंग, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट कि वो इवनिंग में है, आप जॉब कर रहे हैं तो टाइमिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है? और फोर्थ क्या होगी, ये भी अपने आप नोट कर लें, ये फिर मैं आपको एनालिसिस कब बताऊंगा। फोर्थ क्या हो सकता है, फीस हो सकती है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि फीस, स्टैंडर्ड,
ऑफ ज्यादा होती है कुछ जी। और क्या? म्यार क्या है स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड क्या है कि एचईसी की रेटिंग क्या है उस यूनिवर्सिटी की, या उसका स्टैंडर्ड का ओवरऑल। तो देखिए, जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपने क्राइटेरिया सेट करना है, ठीक है, कि उसका ये हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं टू टेक दी एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, इसका जो स्टेप है जो आप स्क्रीन पे भी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज वेट ईच क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द क्राइटेरिया द इंपॉर्टेंस टू अचीव द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने उसको अपने जो क्राइटेरिया सेट किया था ना अभी, उसको हमने क्या करना है, वेट करना है। इसमें हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, ये आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं, मैं क्विज भी लूंगा इससे रिलेटेड, आज जो हो सकता है या नेक्स्ट क्लास में हो सकता है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, ये तरीका मैं आपको जो क्यों ये थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया है, आपने किसी किस्म का डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, आप इसमें फाइनेंस से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, तो ये आप क्राइटेरिया हर जगह यूज कर सकते हैं, वे कैन यूज दीज क्राइटेरियाज। अच्छा, सेकेंड स्टेप मैं आपको बता रहा था वेट। अब ये जो आपने क्राइटेरिया बताया है, जिस तरह आपने बताया कि डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, फेस इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो ये क्राइटेरिया की सबकी एक जैसी तो इंपॉर्टेंस नहीं होगी ना, हर एक के लिए उसकी इंपॉर्टेंस डिफरेंस होगी, इजंट इट। कुछ लोग डिस्टेंस को ज्यादा वेट कर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए फीस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कुछ लोगों के लिए फैकल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इजंट इट। ऐसे ही होगा, एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं होती सब यस सर। सर फैक्टर्स की। हो सकता है आप इसके जब अलावा कर रहे हो, भी एक अहम फैक्टर जी हाँ है जी, अगर कि आपके लिए फाइनेंशियल फीस, फैक्टर फाइनेंस। हाँ जी, अगर आपके लिए फाइनेंशियल फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो आप फीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अगर आपके लिए जो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है तो आप डिस्टेंस को ज्यादा वेट देंगे। नाउ वेट का मतलब ये होता है कि उसको हमने इंपॉर्टेंस, नाउ वेट इज यूजली जो हम देते हैं ना 1 to 5 देते हैं, बल्कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लाइक यूजली जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज होता है वो 1 होता है, ठीक है। सपोज कि आपके लिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू द फैकल्टी, तो आप डिस्टेंस को 0.4 देते हैं तो फैकल्टी को आप 0.2 वेट दे देंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपने वेटिंग करनी होती है, इसको 100 में से भी दे सकते हैं, 1 में से भी दे सकते हैं, उसको वेट का मतलब है इंपॉर्टेंस। आपने हर जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसको अपनी इंपॉर्टेंस के मुताबिक वेट करना है। ये वेट का क्लियर हुआ, ये नेक्स्ट स्लाइड में यस आपको सर, फर्दर बताता हूँ। अच्छा, थर्ड जो यस सर, जो थर्ड स्टेप है उसको कहते हैं रेट। ये वेट और रेट थोड़े से कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। रेट का मतलब ये होता है रेट द इंडस्ट्री ऑन ईच ऑफ दीज क्राइटेरिया ऑन अ स्केल 1 to 5, 1 बीइंग वेरी अनअट्रैक्टिव एंड 5 बीइंग वेरी अट्रैक्टिव। अब आपने क्या करना है कि आपने उस, अगर सपोज के फैकल्टी आपका, आपके लिए फैकल्टी का वेट ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद उस क्राइटेरिया को आपने यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, उसके मुताबिक उसको रेट करना है। यानी अगर उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी बहुत अच्छी होगी तो आप उसको हाई रेट दे देंगे, 1 to 5, 5 रेट दे देंगे। अगर उसकी फैकल्टी अच्छी नहीं होगी तो उसको हम 1 रेट दे देंगे, 1 जो है सबसे अनअट्रैक्टिव रेट है और 5 जो है दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव रेट। ये क्लियर हुआ आपको? वेट जो है आपकी इंपॉर्टेंस है क्राइटेरिया की, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस कि आप कितने वेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने उस फैक्टर को जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है उसको यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करना है कि यूनिवर्सिटी के लिए, आपके लिए वो यूनिवर्सिटी कितनी अट्रैक्टिव होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट क्राइटेरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअली बोर्ड नहीं है, वरना ये मैं बोर्ड पे करवाता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको कुछ वो टेबल ड्रा करके फिर इसको फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द वेटिंग स्कोर फॉर ईच क्राइटेरिया बाई इट्स वेटेज। जो रेट आपने डिफाइन किया होता है उसको हम वेट से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक वेटेड एवरेज आ जाती है। नाउ लेट सी द एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल इसकी बताता हूँ। अब ये देखें, ये एक मैंने तो आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दी, एक और उन्होंने एग्जाम्पल ली हुई है विद रिस्पेक्ट टू द अट्रैक्टिवनेस क्राइटेरिया, ठीक है। उसमें वो देखता है कि वो साइज क्या है किसी भी मार्केट का या किसी इंडस्ट्री का, उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में एंटर होते हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी वो जो आप अपने यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर बता रहे थे ना, ये एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर है कि आपने किसी इंडस्ट्री में कोई अट्रैक्टिवनेस क्या है, इसका एनवायरमेंट क्या है उस यूनिवर्सिटी की, सॉरी उस इंडस्ट्री की, देन एनर्जी इंपोर्ट्स हो सकती है नहीं हो सकती।
इसमें नेक्स्ट कॉलम में इन ये वो क्राइटेरिया जो आपने मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था ना, वो दैट विल बी द डिफरेंट केस, ये डिफरेंट केस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड कॉलम में वेटेज दी हुई है, लाइक इसमें आप देख रहे हैं कि साइज की वेटेज 0.2 है और प्रॉफिटेबिलिटी की वेटेज 0.4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन साइज, 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन साइज। तो जितने भी आपकी क्राइटेरिया सेट किए हुए होते हैं उसको हम वेट दे देते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन इम्पोर्टेंस, और उसका सम ऑफ वेट जो होता है 1 होता है। ये 1 भी हो सकता है, कुछ लोग इसको 100 भी करते हैं, लेकिन एक जो क्राइटेरिया बना हुआ है 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है तो उसको हम 1 के हिसाब से वो वेट देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज द रेटिंग। रेट का क्या करना है कि आपने अब इंडस्ट्री को उस क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। यानी अगर साइज उस यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा नहीं है या लोअर कम है उसका जो इंडस्ट्री का साइज है तो उसको हम लो वेट दिए, रेट कर दिया हमने 1, ठीक है। अगर ग्रोथ उस इंडस्ट्री की अच्छी हो रही है तो उसको हाई रेट दे देंगे 4, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी को अगर अच्छी है या जो भी उसका क्राइटेरिया को 3, 3, 2, ये 1 to 4 हमने रेट दिया है। 1 मीन्स लीस्ट अट्रैक्टिव एंड 4 मीन्स हायर अट्रैक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट इसमें कॉलम में किया कि हमने वेटेड स्कोर बना लिया, वेटेड स्कोर बना लिया, ठीक है। और वेटेड स्कोर में हमने क्या किया, वेट को रेटिंग से मल्टीप्लाई की, तो टोटल वेटेड स्कोर आपका आ गया 2.8। ये हमने किसी एक इंडस्ट्री का वेट, इसी तरह दूसरी इंडस्ट्री का बना लेंगे, तीसरी इंडस्ट्री का बना लेंगे, और फाइनल इसमें डिसीजन मेकिंग करेंगे कि जिसका वेटेड स्कोर सबसे ज्यादा होगा उस इंडस्ट्री को हम चेक सेलेक्ट कर लेंगे और उस इंडस्ट्री में हम एंटर हो जाएंगे। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था फॉर द यूनिवर्सिटी, आप एक यूनिवर्सिटी को पहले क्राइटेरिया बनाएंगे, अच्छा वेट सबका सेम होगा, ठीक है, वेट विल बी सेम, रेटिंग सबकी डिफरेंट हो जाएगी, तो डिफरेंट जो वेटेड स्कोर आएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, तो जिसका वेटेड स्कोर सबसे ज्यादा होगा उस यूनिवर्सिटी को फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर एग्जाम्पल आपने करनी है, अगर कॉपी पेंसिल आप ले आए तो हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जी सर, प्रैक्टिकली कर लेते हैं सर। कर लेते हैं, ओके। नाउ अगेन हम वही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कोशिश होगी हम बोर्ड वगैरह को यूज कर सकें इसमें ऑनलाइन। एनीवे आप एक कॉपी पेंसिल ले लेना, सब सबके पास है कॉपी पेंसिल? सर, नाउ अब हमारी क्वेरी ये है, हमने डिसीजन यही लेना है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि वी वांट टू टेक द डिसीजन कि हमने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पीएचडी का, ठीक है। आप लोग बेशक अपना अपना करेंगे ना, सबसे पहले आप क्राइटेरिया बनाएं, अपना क्राइटेरिया लिख लें। अब क्राइटेरिया वही जो आपने डिसाइड किया था, ये भी सबका डिफरेंट हो सकता है, लाइक एक आपने फीस को लिख लें पहले कॉलम में, फिर डिस्टेंस लिख लें, फैकल्टी लिख लें, फिर उसका स्टैंडर्ड या एचईसी की रेटिंग देख लें। ये 5-6 क्राइटेरिया आप डिफाइन कर लें। जी ये कर लिया सबने? सबसे पहले क्या? आप एक कॉलम यस सर, पहले आपने क्राइटेरिया लिखना है, क्राइटेरिया की हेडिंग दें कॉलम के, ये 5-6 फैक्टर्स जो आपने बताए थे वो लिख लें। जी यूसुफ आप बताएं क्या क्या आपने लिखा क्राइटेरिया? ठीक फीस लिखा है, है, एचईसी रैंकिंग, डिस्टेंस, ठीक है, ठीक, फैकल्टी और आरएनडी। ओके। अख्तर आपने क्या लिखा है? ये सर स्टैंडर्ड, ठीक तो उसके बाद आ गया फैकल्टी, उसके बाद आ गया फीस, उसके ठीक है, ठीक बाद आ गया टाइमिंग, उसके है। बाद आ गया डिस्टेंस। अच्छा
अच्छा, अब ये क्राइटेरिया जो है आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी ले सकते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, लेकिन हमने क्योंकि सिंपल सी एग्जांपल दी है, एसन आपने भी लिख लिया ये क्राइटेरिया 5-6 फैक्टर्स, यस सर, लिख लिया सर। ओके। अब नेक्स्ट कॉलम आपने बनाना है वेट का, नेक्स्ट कॉलम बनाए वेट, वेटेज। अब आप अपनी अपनी, अब सबकी वेटेज ज़ाहिर है डिफरेंट होगी, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग डिस्टेंस को प्रेफर कर रहे होंगे, आपने अपने मुताबिक इसको वेट करना है, लेकिन वेट इसी के से करना है सब फैक्टर्स को कि टोटल उनका 1 आ जाए, ठीक है। अगर आप सपोज के डिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, वेटेज का एक चीज हमेशा याद रखें, वेटेज मीन्स इंपॉर्टेंस। अगर आप डिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं फैकल्टी से, तो डिस्टेंस को आप 0.4 दे देंगे सपोज, तो फैकल्टी को 0.2 दे देंगे, इसका मतलब है उसको डबल वेटेज दे रहे हैं या डबल इंपॉर्टेंस उसकी दे रहे हैं। ये वेटेज भी आप अपने माइंड के मुताबिक सब लोग वेट कर लें से। द सम ऑफ वेटेज जो है दैट शुड बी 1, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सर 1 लाजमी है, जी, इसमें ये होता है कि क्योंकि होनी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना 1 से होती कम है, हो ना। नहीं 1 से ज्यादा भी ना हो, 1 से कम ही ना हो, या 100 कर लें उसके मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन इसको 1 ही कर लें। अभी हम जो एग्जाम्पल स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो 1 के मुताबिक आप कर रहे हैं, इसको एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए। तो उसमें 0.1, 0.2, 0.3 सब आप होल नंबर उसमें ले लेना, ताकि वो जी होगी वेटेज जी सर, दे दी सबने वेटेज। ओके, ऐसा ना आप जी बताएं सर। क्या आपने वेटेज दी है डिफरेंट फैक्टर्स को। सर ये जो मतलब फर्स्ट है सर। जी, क्राइटेरिया बताते हैं और वेटेज बताते हैं। जी सर, क्राइटेरिया सर हमने जो है रखा है उसको फैकल्टी को सर, फैकल्टी को क्या वेट किया आपने। उसका सर ये मेरी 0.9, 0.1 बन रही है सर वेटेज टोटल, नहीं, टोटल 1 है, फैकल्टी को आपने कितनी वेटेज दी है, 0.2 दी है, 0.4 दी है, 0.4 सर, 0.4 0.4 दी है दी है। सर। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था आपका। सर नेक्स्ट मेरा था सर डिस्टेंस था उसको कितना वेट किया है, सर, उसको 0.5 किया है 0.5, यानी आप डिस्टेंस को ज्यादा वेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफिकल्टी। जी, ये मतलब है कि जी इंपॉर्टेंस सर। है आपके लिए, डिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जी तो सम ऑफ वेटेज आपकी 1 आ और रही ये है, सर 1 बन रही है सर। 1 बन रही, ठीक है। आपने भी अख्तर कर दी वेटेज सबकी। वेटेज सर 1 ही बनती है, हाँ जी, आपने क्या क्या वेटेज दिए डिफरेंट क्राइटेरिया को। स्टैंडर्ड रखा है पॉइंट जी, इसको क्या वेट किया आपने, 2, 0.2। ओके, नेक्स्ट क्या है, फैकल्टी 0.2, 0.2, यानी आपके लिए डिस्टेंस और फैकल्टी बराबर है एक जैसा, क्योंकि वेट दिया आप, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी 0.2, अच्छा नेक्स्ट, टाइम टाइम को को भी भी पॉइंट पॉइंट टू टू नहीं, लेकिन ये 0.2 एक जैसी तो इम्पोर्टेंस नहीं होगी ना सबकी, चलें एक जैसी भी हो सकती है। जी अगर आपके फैकल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने उसको ज्यादा वेट करना है, आप कहते हैं कि मैंने सबको एक जैसी वेटी, जो कि दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक जैसी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सबको। जी, अभी यस हो गया ना,
ये दो कॉलम हमने बनाए। ये अब नेक्स्ट कॉलम आपने ये बिल्कुल बनाना है कि सपोज के जो यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करना है आपने, एक आपके पास रिफा की ऑप्शन है, एक आपके पास कायदे आजम की ऑप्शन है, और एक सपोज कि आपके पास कोई और यूनिवर्सिटी ले लें, ठीक है। अब उसको सामने रख के आपने रेट करना है। पहले आपने सपोज के रिफा को लें, उसको रेट करें, यानी रेट किसका करना है। अब आपने देखना है कि फैकल्टी जो है कस की कैसी है। अगर उसकी फैकल्टी आप समझते हैं कि अच्छी है तो उसको हाई रेट देंगे 1 to 4। अगर आप समझते हैं कि उसकी फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको 1 या 2 रेट दे देंगे, ठीक है। वो ऊपर पहले रिफा लिखें, उसके नीचे रेटिंग लिखें। रिफा के अंदर ना दो कॉलम बना लें, एक रेटिंग का बना लें, उसके बाद एक वेटेड स्कोर बना लें। इसी तरीके से कायदे आजम यूनिवर्सिटी के दो कॉलम, एक रेटिंग का एक वेटेड स्कोर का। इसी तरीके से थर्ड कॉलम जो कस्ट है, एक रेटिंग का और एक, ये 6 कॉलम बन जाएंगे आपके। हर यूनिवर्सिटी को हमें रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज फैक्टर्स। इस सर ओके हो गया जी? किसका हो गया? यूसुफ जी सर, आपको? मेरा हो अच्छा, जी आपने रेट कर दिया है यूनिवर्सिटी को, पहले रिफा को जी रेट सर, किया, कर दिया उसके बाद उसको वेटेड स्कोर निकालें, उसको रिफा वो क्या, भी निकाल दिया उसको रेट को आपने वेट से मल्टीप्लाई करना है। जी सर, बिल्कुल जैसे ओके जी स्क्रीन में 0.2, 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.2, ठीक है। सर, ओके उसका एक टोटल आ जाएगा, वेटेड स्कोर का टोटल बना लेना है, उसको आप जी हाईलाइट कर, सर, आगे ठीक है। इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटी का कस्ट का आपने करना है और तीसरी यूनिवर्सिटी का भी करना है। पहले रेट करना है, उसके बाद उसका वेटेड स्कोर, वेटेज सबकी सेम रहेगी, जी सर, रेट वेटी सेम रहेगी, चेंज होते रहेंगे वेटेज सबकी सेम होगी, रेटिंग सबकी डिफरेंट होगी। सर। मेरे पास जो सेम आता रहेगा तो वेटेज है कोई हमारी प्रॉब्लम? सबकी वन ही होगी ना सर? सॉरी जो वेटेज हमारी है सर वो सबकी जी, वन वो होगी सबकी ना? वन है, वेटेज को आपने चेंज नहीं करना, वो तो टोटल हमने निकाल लिया होगा ना 1। अब आपने रेटिंग सबकी चेंज करनी है, रेटिंग डिफरेंट होगी सबकी, सब यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ओके, अभी हमारी ब्रेक हो जाएगी, ये सेशन हमारा इज अबाउट टू एंड। रिकॉर्डिंग आपके पास जाहिर मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं वीडियो। इसमें थोड़ा सा आप 10 मिनट की ब्रेक में ये कर लें कंप्लीट, सबके वेटेड स्कोर निकाल लें, उसके बाद हम इसको आफ्टर दिस सेशन जो है ब्रेक, हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके सर, ओके सर।